तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो मौना आजाद रिसर्च सेंटर में बारी समाज का एक कार्यक्रम रखा है, सर क्या उद्देश्य है और कार्यक्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले उस बारे में बताइए सर। देखिए, हमारा एक बारी समाज विकास मंडल बोल के एक हमारी संगठन है यहाँ पे औरंगाबाद में। वो 2006 साल से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो गुणवंत विद्यार्थी सत्कार, और जो समाज में मान्यवर व्यक्ति है जिन्होंने अच्छा काम किया है, कोई बिजनेस करते हैं, किसी को प्रमोशन मिला है या कोई रिटायर हो गए सर्विस में से, तो उन सब लोगों का हम आज के कार्यक्रम में सत्कार करते हैं। सर कितने लोगों को सत्कार करने वाले, सम्मानित करने वाले आज? आज के कार्यक्रम में देखो करीबन 80 स्टूडेंट्स आए हुए हैं सत्कार के लिए। 80 स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक, जिनको 75% से ज़्यादा मार्क्स है उनका सबका हम सत्कार करते हैं, जिनकी मार्कशीट मिली हमको उनका। और 12th के बाद में जो एजुकेशन है डिग्री वगैरह, उसमें 60% मार्क्स जिनको है उनका सबका हम सत्कार करते हैं। तो करीबन 100 स्टूडेंट्स का हम हर साल सत्कार करते हैं यहाँ पर कार्यक्रम। सर आज जो बारी समाज की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है आपने, तो जो जिसको सम्मानित करने वाले हैं तो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? देखिए, सम्मानित करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो हमारे दो डिस्ट्रिक्ट का ज्यूरिडिक्शन है हमारा, जालना डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में से गांव-गांव से एकदम बॉर्डर से हमारे समाज के जो लोग हैं वो हर साल ये देखते रहते हैं कि ये कार्यक्रम कब है। और बहुत दूर से पूरे डिस्ट्रिक्ट से, दोनों डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स यहाँ जमा होते हैं सत्कार के लिए। सर कितने साल पुरानी संस्था है बारी समाज की, आप इस बारे में? ये संस्था तो वैसी 30 साल पुरानी संस्था है, लेकिन 2006 साल से हम ये जो सत्कार का कार्यक्रम है वो करते आ रहे हैं। सर इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन सी सुविधा दी जाती है बारी समाज की संस्था की तरफ? ये जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा खास करके, ये जो सत्कार का कार्यक्रम है उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट्स रहते हैं, फर्स्ट 1, 2, 3, उनको हम कैश प्राइजेस भी देते हैं। हमारे समाज के लोग जो है वो पूरा पैसा कार्यक्रम के लिए हम लोग इकट्ठा करते हैं, और फर्स्ट जिसका नंबर है 10th में उसको 5,000, सेकंड वाले को 4,000, थर्ड वाले को 3,000, उसी तरह 12th में जो नंबर आए उनको, ग्रेजुएट्स में भी हम नंबर निकालते हैं, CET में जो फर्स्ट आया उसको कैश प्राइज देते हैं, और ये नीट एग्ज़ाम JEE सबके लिए हम कैश प्राइज रखते हैं। करीबन 50,000 रुपये हम आज के दिन स्टूडेंट्स को बांटते हैं ये कार्यक्रम। सर आज जो आज सब स्टूडेंट को सम्मानित करने वाले हैं तो इसमें महिला विद्यार्थी और पुरुष विद्यार्थी कितने हैं? आज जो देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो साल है ये यूनो से महिला सक्षमीकरण ईयर बोल के डिक्लेयर हुआ है। तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई महिला सक्षमीकरण वर्ष है तो स्टेज पे पूरे समाज की महिलाएं रहेंगी, जो महिला विंग है हमारी उनको बता दिया कि भाई आप अरेंज करो। तो पूरी महिला हमने आज स्टेज पे रखी है, पूरा कार्यक्रम उनके हाथ से है। जो महिला का भी सत्कार है आज, करीबन 40 महिला है आज सत्कार के लिए हमारे पास, और स्टूडेंट्स करीबन 100 स्टूडेंट्स है। सर बारी समाज संस्था का ऑफिस वगैरह कहाँ है, आपका नाम बोलिए? मेरा नाम विट्ठल गंगाराम जी बोड़के है, मैं इंजीनियर बोल के रिटायर हो गया हूँ PWD से। हमारा जो ऑफिस है वो हनुमान नगर में गली नंबर 5 में बारी समाज विकास मंडल का ऑफिस है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट का संभाजी नगर में है। सर्व सर्व ठिकाणी लागू होतात आणि आपल्या समाजासाठी
आपलं काय, मी आता हे जे बोलेल हे कधीही सर्वच समाजाला लागू होईल, फक्त आपल्यासाठी नाही पण आपल्याला सध्या आपला विचार करायचा आहे. आपला विचार करणे म्हणजे स्वार्थ नाही. मी नेहमी बोलताना सांगत असतो की जो आपण आपला विचार करतो तो देशाचाच एकंदरीत विकास आहे. देशाचा एकंदरीत विकास कसा, थोडक्यात उदाहरण घेऊन मी तुमच्या समोर उभा आहे. एखाद्या जसं आपण आता स्वातंत्र्य दिवस साजरा केलाय आणि आपल्याला त्या स्वातंत्र्याची किंमत का कळाली, तर आपण पारतंत्र्य भोगलंय, आपण 150-250 वर्ष इंग्रजांना सहन केलं, त्यांनी बाहेरून येऊन आपल्यावर राज्य केलं आणि आपण पारतंत्र्य